फर्स्ट लिखेंगे व्हेन अ वेक्टर इज एडेड टू जीरो वेक्टर, व्हेन अ वेक्टर इज एडेड टू अ जीरो वेक्टर, व्हेन अ वेक्टर इज एडेड टू अ जीरो वेक्टर वी गेट द सेम वेक्टर, वी गेट द सेम वेक्टर। मतलब मान लीजिए वेक्टर है ए वेक्टर, और इसमें जीरो वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, ओ लिखकर कैपिटल ओ और उसके ऊपर एरो बना देते हैं, तो ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, सेम होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए डायरेक्शन जो है ना, डायरेक्शन अगर अलग अलग होगी, अगर डायरेक्शन अलग अलग होगी तो भी आप ये समझिएगा कि तो फिर वो एडिशन ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर डायरेक्शन अलग अलग होगी तो डायरेक्शन तो सेम होगी ही होगी, ठीक है। जीरो वेक्टर का मतलब ये है कि जिस भी डायरेक्शन में कोई वेक्टर है उसके साथ में एडिशन तभी कर पाऊंगा जब वो उसके साथ एक डायरेक्शन में होगा, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा, ठीक। उसके बाद देखिएगा सेकंड है, व्हेन अ रियल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय अ जीरो वेक्टर, व्हेन अ रियल नंबर इज मल्टीप्लाइड व्हेन अ रियल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय अ जीरो वेक्टर वी गेट अ जीरो वेक्टर, वी गेट अ जीरो वेक्टर, वी गेट अ जीरो वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है हमारे पास, ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। तो हमने ये कहा कि अगर रियल नंबर मान लीजिए लैम्बडा है, तो लैम्बडा इंटू जीरो वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। तो अभी तक मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि जीरो नॉर्मल जो नंबर होता है वही वाला, कि अगर जीरो में किसी नंबर को ऐड कर दें तो वही नंबर आ जाता है, अगर जीरो में किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दे तो वही नंबर आ जाता है। याद रखने का तरीका है बस ये समझ लीजिए कि भाई वेक्टर आ गया इस पर, बस और कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। तो आप बस ऐसे ही याद रखिए कि जीरो को किसी नंबर में ऐड करते हैं तो एज इट इज वही आ जाता है, तो वही काम जीरो वैक्टर के साथ है। जीरो वैक्टर को किसी वैक्टर में ऐड करेंगे तो वही वैक्टर आ जाएगा, जीरो वैक्टर को किसी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, व्हेन अ वैक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो, व्हेन अ वेक्टर व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो कॉमा वी गेट अ जीरो वेक्टर, अब अगर किसी वेक्टर को जैसे मान लीजिए वेक्टर है ए वेक्टर, इसको अगर जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी इसको जीरो वेक्टर बना देगा, फिर फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी है कि इफ इफ लैम्बडा एंड म्यू आर टू डिफरेंट नॉन जीरो रियल नंबर्स, इफ लैम्बडा एंड म्यू आर टू नॉन जीरो रियल नंबर्स, मतलब जीरो नहीं होने चाहिए और रियल नंबर होने चाहिए, मतलब कुछ भी कोई भी कॉन्स्टेंट, आर टू नॉन जीरो रियल नंबर्स देन द रिलेशन देन द देन द रिलेशन
लैम्डा ए वेक्टर इज इक्वल टू म्यू बी वेक्टर कैन होल्ड ओनली इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर जीरो वेक्टर्स। अभी बताता हूं क्या चीज है ये। आप ये देखिए कि जैसे कि कोई भी दो कांस्टेंट है, आप उन दो कांस्टेंट्स को कुछ भी मान सकते हो, स्मॉल ए और स्मॉल बी मान सकते हो। यहाँ पर क्या है कि दो कांस्टेंट्स को माना, एक को लैम्डा और एक को म्यू, ठीक है। तो दो कांस्टेंट्स हैं, कोई भी कांस्टेंट है, नॉन जीरो है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, नॉन जीरो, ये जीरो नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, तो अगर मान लीजिए ए वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, बी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो अब आप ये देखो कि अगर एक वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, किसी भी दूसरी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में, मान लो ये नॉर्थ में और ये साउथ में, क्या नॉर्थ और साउथ इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते, ठीक है। लैम्डा और म्यू की भी कुछ वैल्यू है, कोई कांस्टेंट हो सकता है, हो सकता है एक की वैल्यू 2 हो, एक की वैल्यू 3 हो, लेकिन दोनों इक्वल कब हो सकते हैं? आप ये कहें कि ए वेक्टर जो है ये भी जीरो वेक्टर है और ये भी जीरो वेक्टर है, तो वो है क्या? ये वो जीरो वेक्टर का मतलब ये है कि उसका मैग्नीट्यूड जीरो है, मतलब वो चुपचाप एक पड़ा हुआ पार्टिकल है जिसकी कोई लेंथ नहीं है और वो डायरेक्शन उसकी नॉर्थ की तरफ है, चुपचाप नॉर्थ की तरफ उसने डायरेक्शन कर रखी है। आप दूसरा, वो भी उसी पॉइंट पर पड़ा हुआ है, उसने साउथ की तरफ डायरेक्शन कर रखी है। तो जब उनकी कुछ लेंथ ही नहीं है तो हम ये कहेंगे कि दोनों एक ही पॉइंट पर पड़े हुए हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, दो पार्टिकल्स हैं, इस वजह से हम ये बोल देते हैं कि दोनों के दोनों इक्वल हैं। मामूली सा भी, दोनों में से किसी एक का भी मामूली सा भी मैग्नीट्यूड हो गया तो फिर वो इक्वल नहीं होंगे। तो ये दो वैक्टर्स इक्वल तभी हो सकते हैं जब अलग अलग डायरेक्शन के दो वेक्टर इक्वल तभी हो सकते हैं जब वो जीरो वेक्टर हैं, समझ गए? वैसे तो देखिए दो वेक्टर इक्वल हो सकते हैं, हमने देखा था कि एक वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में है, दूसरा भी बिल्कुल उसी डायरेक्शन में और उतनी ही मैग्नीट्यूड का है, ठीक है। तो ये दोनों वैक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में हो और दोनों का सेम मैग्नीट्यूड हो तब तो उनको बोलते हैं हम इक्वल वैक्टर। लेकिन अगर दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है और दोनों के मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है, क्योंकि लैम्डा कुछ और वैल्यू है, म्यू कुछ और वैल्यू है, तभी तो लैम्डा और म्यू लिया, नहीं तो दोनों तरफ लैम्डा लैम्डा ही लिख लेता अगर इक्वल होता तो, ठीक। तो जब ऐसा है तो इनको इक्वल करने का, जबरदस्ती इक्वल करने का क्या तरीका होता है? इसको भी जीरो वेक्टर बोलो और इसको भी जीरो वेक्टर बोलो, ये तभी हो सकता है। बाकी की जो पहली, दूसरी और तीसरी प्रॉपर्टी है ये शायद अपने आप ही समझ में आ गई होगी, इनमें कुछ है नहीं। कि एक वैक्टर में अगर जीरो वैक्टर ऐड करो तो वैक्टर वैसे का वैसा ही रहता है, एक कॉन्स्टेंट को अगर जीरो वैक्टर में मल्टीप्लाई करो तो जीरो वैक्टर ही आ जाता है, और अगर एक जीरो को किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई करो तो वो जीरो वेक्टर बन जाता है, ठीक है, समझ गए? ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए बेटा, क्लियर है? यस सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ, सेकंड केस की तरह ही है, सेकंड केस की तरह ही है एक तरह से, कि अगर ये भी जीरो वेक्टर है और ये भी जीरो वेक्टर है तो दोनों इक्वल हो ही जाएंगे, अब उसमें मल्टीप्लाई होने वाला मैग्नीट्यूड कितना भी हो, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, हम ये कहते हैं नेक्स्ट टॉपिक आप लिखें, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाई अ अगर एक वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर उस वेक्टर पर क्या फर्क पड़ता है, ये देखना है। सोचिएगा, सपोज अ वेक्टर इज गिवन एज शोन, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस 0 1 2 3 4 5, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, ऐसे इधर भी दिखा दीजिए 1 2 3 4 और 5,
अब आप ये सोचें कि यहां पर मुझे एक वेक्टर ऐसे दे रखा है जिसका ये वेक्टर गिवन है ए वेक्टर, ये वेक्टर गिवन है ए वेक्टर। तो आप इसको, क्योंकि हमें कोई भी चीज जब मेजर करनी होती है तो हम अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना उसको वेक्टर की फॉर्म में, तो इट इज लाइक अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मैं ग्राफ में दिखा रहा हूँ, तो 1 से लेकर 3 तक की जो वैल्यू है मुझे साफ समझ में आता है कि जो लेंथ होती है ना वेक्टर की, उसी को उसका मैग्नीट्यूड बोल देते हैं। तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 2 है। डायरेक्शन इसका हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस की तरफ है, इसमें आप 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। या आप ये कहिए कि 2a वेक्टर इज शोन एज, बता रहा हूँ किसकी बेटा, ये इसकी लेंथ मुझे आप बताओ 3 कैसे होगी, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो 1 है। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 1 से लेकर 3 तक, 3 माइनस 1 इसकी लेंथ है 2, समझ गए। अगर 0 से 3 तक होता तब तो लेंथ 3 होती, लेकिन 1 से 3 तक है तो लेंथ 2 हुई ना, ठीक है। अब आप देखिएगा इसका डबल करना है, ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर, तो डबल करना है तो इसका मतलब क्या है, 5 तक पहुंच जाएगा ये यहाँ पर आप ले लीजिए इसको। पैरेलली हम दिखा सकते हैं वेक्टर को कितना भी, वो कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर। मैं 1 से स्टार्ट करके और इसको 5 तक ले जाऊंगा, तो ये 2a वेक्टर। तो इसका मतलब जब भी कभी हमसे ये कहा जाता है कि आपको कोई वेक्टर है, उस वेक्टर में कोई एक रियल नंबर मल्टीप्लाई करना है, तो आप बस ये समझ लीजिए कि जितना भी नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप उसकी लेंथ को उतना टाइम्स बढ़ा रहे हैं। ये ए वेक्टर है, तो 2a वेक्टर का मतलब क्या है कि इसकी लेंथ इतनी थी तो आपने इसकी लेंथ को डबल कर दिया, डायरेक्शन विल रिमेन द सेम, डायरेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बेटा, क्लियर है। अच्छा, इज शोन इन द प्लॉट वेयर, एक्सक्यूज हाँ जी बताइए। हाँ मी सर, बट यहाँ पे तो वो जो लाइन मतलब आपने रिप्रेजेंट किया उसमें तो एक्स एक्सिस में उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, एक्स बिल्कुल सही है, कोऑर्डिनेट्स में तो वैल्यू नहीं वाई एक्सिस में, वाई वाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो वाई वाली वैल्यू है वो तो चेंज हो रही है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो लाइक वेक्टर्स होते हैं या पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, आप कितना भी दूर चलते चले जाइए, पैरेलली कितना भी मूव करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेक्टर में जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन और उसकी लेंथ, उसका फर्क पड़ता है। आप अगर पैरेलली कितना भी मूव करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए। ठीक ओके सर। है, अब जरा देखिएगा, तो हम ये कहेंगे 2a वेक्टर इज शोन इन द प्लॉट वेयर डायरेक्शन रिमेन्स द सेम बट मैग्नीट्यूड गेट्स मल्टीप्लाइड बाई 2, मैग्नीट्यूड गेट्स मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये 2a वेक्टर ऐसा हो जाता है कि मैग्नीट्यूड गेट्स मल्टीप्लाइड बाई 2। उसके बाद अब हम ये देखेंगे कि ये तो हो गया कि अगर वेक्टर में कोई एक कांस्टेंट को मुझे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अगर 2 वेक्टर्स को ऐड करना है, तो अभी अभी मैंने एक चीज बोली थी कि 2 वेक्टर्स तभी ऐड हो पाएंगे जब उनका दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। भाई अगर डायरेक्शन अलग है और मुझे फिर भी ऐड करना हो तो क्या होगा, कुछ ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए मुझे कोई पीछे से, मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ, मुझे कोई पीछे से ना पुश करने लगे, तो मैं स्ट्रेट लाइन में ऐसे 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 चलना शुरू कर दूंगा। लेकिन क्या है कि अगर कोई नीचे से भी ऊपर की तरफ पुश करने लगे तो क्या होगा, कोई पीछे से भी मुझे आगे की तरफ पुश कर रहा है और कोई नीचे से भी ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, तो फिर होगा क्या, तो ऐसा तो होगा नहीं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, डायगनली, तो ऐसा तो होगा नहीं कि मैं या तो सिर्फ इधर जा रहा हूँ या फिर मैं सिर्फ ऊपर जा रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। वहां एक कंबाइंड मोशन होगा। कंबाइंड मोशन क्या, एक बंदा पीछे से पुश कर रहा है तो मैं आगे भी जा रहा हूँ, एक बंदा नीचे से पुश कर रहा है तो मैं ऊपर भी जा रहा हूँ, तो मैं डायगनली जाऊंगा। और डायगनली ऊपर जाने का मतलब क्या है कि आप थोड़ा 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 आगे भी बढ़ रहे हैं और थोड़ा 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 ऊपर भी उठ रहे हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मोशन इन अ प्लेन। इसका मतलब ये है कि अगर डायरेक्शन, वैक्टर्स की डायरेक्शन अलग अलग है, तो दोनों वैक्टर्स जब ऐड होते हैं तो एक तीसरी नई डायरेक्शन बन जाती है, जो रिजल्टेंट वेक्टर बनता है उसकी एक तीसरी नई डायरेक्शन बन जाती है, नहीं समझे। सपोज मैं एग्जांपल मैंने किसका दिया, फोर्स का ना, फोर्स का एग्जांपल कि एक बंदा मेरे को पीछे से पुश कर रहा है, एक बंदा मेरे को नीचे से पुश कर रहा है, तो
मैं ना तो इधर का रहा ना मैं ऊपर का रहा, मैं तो एक बीच के रास्ते का निकल के बना गया, चला गया उस डायरेक्शन में जो बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन हो गई। वो डायरेक्शन ये है कि मैं थोड़ा थोड़ा आगे भी बढ़ रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा ऊपर भी उठ रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से जब वेक्टर्स की डायरेक्शन अलग अलग होती है, तब जब हम उनको ऐड करते हैं तो ओरिजिनल डायरेक्शन दोनों वेक्टर्स की खत्म हो जाती है, तीसरी एक नई डायरेक्शन बन जाती है। हम उसको ऐड करने के दो अलग अलग रूल्स होते हैं, वैसे तो तीसरा रूल भी होता है, पर दो रूल्स हैं बेसिक जो 11th क्लास में अपने सिलेबस में है वो करेंगे। पहला नोट करेंगे, पहले हेडिंग डालिएगा वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, अब वेक्टर एडिशन कैसे होगा? हाँ जी बताइए, कुछ बोल रहे हैं? नहीं, चलिए ठीक है। वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग रूल्स। वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग रूल्स। रूल्स बड़े आसान है, देखिएगा। पहला रूल मैं कहूंगा, फर्स्ट रूल है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नोट करेंगे। सपोज सपोज देयर आर टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, एज शोन, एंड वी विश टू एड देम, एंड वी विश टू एड देम। देखिएगा, मेरे को कोई दो वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन कोई भी रैंडम डायरेक्शन ले लेते हैं, जैसे कि ए वेक्टर को तो आप मान लीजिए कि ऐसे है, ये तो ए वेक्टर है, और बी वेक्टर को मान लीजिए कि बी वेक्टर ऐसे है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये दो अलग अलग वेक्टर्स हो गए। ये को इनिशियल वेक्टर्स तो नहीं है? जिन वेक्टर्स की इनिशियल डायरेक्शन सेम होती है, मतलब इनिशियल पॉइंट सेम होता है, उसको बोल देते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। जो वेक्टर्स आकर एक पॉइंट पर आकर खत्म होते हैं, एक पॉइंट पर आकर मिलते हैं, उनको बोल देते हैं को टर्मिनस वेक्टर्स। कुछ नहीं पता, ए वेक्टर कहीं अलग डायरेक्शन में है, बी वेक्टर कहीं अलग डायरेक्शन में, दोनों को ऐड करना है। ऐड करना है मतलब कंबाइन करना है। कंबाइन करने के लिए क्या करें? हम पैरेलली किसी भी वेक्टर को कितना भी मूव कर सकते हैं। आप ये देखिएगा, बस उसकी डायरेक्शन को ऐसे उल्टा पुल्टा मत कर देना, ठीक है। मैं ये जैसे ये ए वेक्टर है, मैं इसको एज इट इज पीछे 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 ला सकता हूँ, एज इट इज इसको पैरेलली आगे आगे ले जा सकता हूँ। भाई पैरेलल डायरेक्शन है ये, उसी की डायरेक्शन में आगे पीछे चलना पैरेलल डायरेक्शन है। ए वेक्टर को मैं ऐसे 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 ला सकता हूँ, ऐसे ऐसे ले जा सकता हूँ, लेकिन ए वेक्टर जब इस तरह से है तो मैं इसको ऐसे घुमा नहीं सकता, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। तो ये जो बी वेक्टर है ना, इस बी वेक्टर को थोड़ा नीचे ले आओ, इस बी वेक्टर को मैं ऐसे लाकर और मैंने ऐसे सेट कर दिया पैरेलली, ठीक है। क्या कोइनिशियल वेक्टर्स वो होते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है? हाँ, कोइनिशियल मैं बनाऊंगा इनको, मैं अभी बनाऊंगा। जैसे ये ए वेक्टर है, अब इस ए वेक्टर को ऐसे 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 लेकर आए और ऐसे ऐसे लाए, बस डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, ऐसे घुमाना नहीं है, बस आप इसको ऐसे लाओ और इसको यहां पर बी वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से इसको आप चिपका दो।
ठीक है, तो बेटा ये तो हो गया ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर। अब क्या करना है कि जो इनिशियल पॉइंट होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं वेक्टर का टेल और इसको बोलते हैं वेक्टर का हेड। समझ गए? इसको बोलेंगे टेल, इसको बोलेंगे हेड। तो दोनों की टेल आपस में ज्वाइन कर दी। अब क्या करेंगे? अब दोनों के हेड्स जो हैं वो फ्री हैं। तो मैंने क्या करा, ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करी ऐसे। ठीक है, ऐसे ही बी वेक्टर के हेड से ए वेक्टर के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करी ऐसे। दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब जो ये जो इनिशियल पॉइंट था, इस इनिशियल पॉइंट से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। ये जो वेक्टर बना है, दिस इज कॉल्ड आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। दिस इज कॉल्ड आर का मतलब क्या है कि रिजल्टेंट, रिजल्टेंट वेक्टर। ये ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट है, याद रखिएगा। कई बार क्या है ना कि टीचर्स आपके आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो सीधा बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब ही एडिशन होता है, कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं, कोई सब्ट्रैक्शन नहीं, रिजल्टेंट का मतलब ही दोनों का एडिशन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो पैरेललोग्राम क्यों बोलते हैं? ये एक पैरेललोग्राम जैसा नहीं बन गया, पैरेललोग्राम बन गया ना, तो देखने में फिगर इज लुकिंग लाइक अ पैरेललोग्राम, इसलिए इसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोल देते हैं। ठीक है, तो हम ये कहेंगे हियर आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज कॉल्ड द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मतलब एडिशन है, एडिशन का जो रिजल्ट आता है उसको रिजल्टेंट बोल देते हैं। क्लियर है विदुषी, यश, रोहन, बताइए। यस सर, यस यस सर, सर, ठीक है जी, ओके, आगे चलता हूँ फिर मैं। ये तो पहला रूल था, दूसरा रूल देखते हैं बेटा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बस डायरेक्शन हो तो गई, ये नई डायरेक्शन बन गई। कुछ नहीं कुछ नहीं, अब आप एक चीज और सुनिए। हमने जो अभी तक डायरेक्शन पढ़ी है वो चार पढ़ी है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ठीक, नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन है उसको नॉर्थ ईस्ट बोल देंगे, लेकिन उसका नॉर्थ से और ईस्ट से दोनों से बराबर बराबर 45 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ठीक, ऐसे ही नॉर्थ और वेस्ट के बीच की जो डायरेक्शन है उसको नॉर्थ वेस्ट बोल देंगे, लेकिन बराबर बराबर 45 45 का एंगल बनना चाहिए। ऐसे ही साउथ वेस्ट होगी, साउथ ईस्ट होगी। तो चलो कुल मिलाकर चार डायरेक्शन थी, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, चार और बता दिया हमने, मतलब आठ हो गए। क्या बस आठ ही डायरेक्शन है दुनिया में? दुनिया में डायरेक्शंस न जाने कितनी सारी हैं, इनफाइनाइट डायरेक्शंस है। तो जब मेरे से डायरेक्शन पूछी जाएगी तो डायरेक्शन के नाम पर मैं ये बताऊंगा कि उसका एंगल कितना है। एंगल किसके साथ? एंगल किसी एक ओरिजिनल पॉइंट के साथ में, जिसको हम ओरिजिन बोल देते हैं, जहां से हम वेक्टर को इनिशिएट करते हैं। जैसे किस केस में ओरिजिन किया है ये, क्योंकि मेरा ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों को मैंने इस पॉइंट से ओरिजिनेट करा, यानी कि स्टार्ट करा, तो ओरिजिन इस केस में ये हो गया हमारा, ये वाला पॉइंट, इसको मैं ओ बोल सकता हूँ। ओरिजिन को हम वही बोलते हैं। ठीक, तो जब भी कभी डायरेक्शन पूछी जाएगी तो डायरेक्शन आर इनफाइनाइट, लिमिटलेस, कोई डायरेक्शन की कोई लिमिट नहीं है कितनी। तो हम हमेशा डायरेक्शन को थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे कि वो एंगल कितना बना रहा है। जैसे यहाँ पर मुझे ये देखना होगा कि अगर मैं ये वाला थीटा बोलता हूँ कि भाई ये बी वेक्टर के साथ इतना बना रहा है, तो ये जो थीटा निकल के आया ये उसकी डायरेक्शन है थीटा। ठीक है, या फिर ए वेक्टर के साथ जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ए वेक्टर के साथ इतना एंगल बना रहा है, तो ये थीटा होगा। ठीक है, कैसे मेजर करा जाता है वो मैं आगे बताता हूँ, वो भी धीरे धीरे। फिलहाल तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है दोनों वेक्टर्स को ऐड करने का, एनालिटिकल यानी कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन अलग होगा, वो बताऊंगा, और उसको भी इसके साथ हम कंबाइन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सेकंड है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
अगेन एक काम करते हैं, यही दोनों वेक्टर्स ले लेते हैं, ये तो हो गया ए वेक्टर, ठीक है, और ये हो गया बी वेक्टर। अच्छा आप सोचेंगे इसकी मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन क्यों नहीं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि पैरेललोग्राम लो और डायरेक्ट ट्राइंगल लो, डायरेक्टली पूछा नहीं जाता आपसे, इनका यूज है आगे, इनका आगे यूज है न्यूमेरिकल्स में, और हमारा जो भी वेक्टर्स होते हैं या जो भी क्वांटिटीज हैं उन क्वांटिटीज के हमें जो कंपोनेंट्स स्प्लिट करने होते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, वही आप करेंगे पूरा फिजिक्स में, ठीक है। हाँ एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट उसमें काम आता है इसका, ठीक है, तो इस वजह से ये चीज अभी चल रही है, तो इसको डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, इसका एप्लीकेशन है आगे। तो अब देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बेटा ब्रैकेट में ना इसको लिख लीजिए हेड टू टेल रूल, ये भी लिख लीजिए हेड टू टेल रूल। कई बार ये है कि हेड टू टेल रूल करके वो आपसे पूछ लेंगे कि कोई दो वेक्टर्स दे रखे हैं, कि यूजिंग हेड टू टेल रूल आप क्या करें, आप इसको ऐड करके दिखाएं, तो ये क्या होता है तरीका इसका। देखिए वेक्टर्स मैंने फिर वही ले लिया, ए वेक्टर इस तरफ और बी वेक्टर इस तरफ। अब क्या करना है, अब आपको जैसे इसमें तो इनके इनिशियल पॉइंट ज्वाइन करे थे, इनिशियल पॉइंट कॉमन नहीं करने हैं। आप क्या करिए, जैसे जैसे ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, हेड टू टेल रूल लिखा ही इस वजह से है कि शायद इस नाम से आपको आसानी रहे इसको याद रखने में, ठीक है। हेड टू टेल रूल का मतलब ये है कि एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ ज्वाइन कर दो बिना उसकी डायरेक्शन बदले, तो फिर दूसरे वेक्टर का जो हेड है वो पहले वेक्टर की टेल से ज्वाइन करेंगे, नहीं समझे। पहला वेक्टर, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, तो ए का हेड तो बी के टेल से ज्वाइन कर दो, तो फिर बी कहेगा भाई मैं भी क्यों पीछे रह जाऊं, तो फिर क्या करें बी का हेड ए के टेल से ज्वाइन कर दो, कैसे देखिएगा। सबसे पहले आप क्या करो, आपने ये ए वेक्टर एज इट इज बना लेना है, तो ये ए वेक्टर मैं एज इट इज बनाऊंगा, यहाँ पर ये रहा, ये तो हो गया ए वेक्टर, इसका जो हेड है बी वेक्टर ऐसे ले आओ, पैरेलली ऐसे लेकर आए और ऐसे लेकर आ गए, बस उसको घुमाना नहीं है इस तरह से, ये हो गया बी वेक्टर। तो मैंने क्या करा, ए का हेड और बी का टेल ये ज्वाइन कर दिया, अब बी का हेड और ए का टेल ज्वाइन कर दो, हो गया काम। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, वही बन गया, डायरेक्शन यही है सेम, ठीक है ना, ये ट्राइंगल लॉ है। ट्राइंगल लॉ क्यों कहते हैं, तो भाई देखने में ट्राइंगल जैसा लग रहा है ना, ये देखने में पैरेललोग्राम जैसा लग रहा था, तो पैरेललोग्राम वो ट्राइंगल रूल, ठीक है। अब दिमाग में ये आता है कि नहीं जी मैं ना कुछ अलग करूंगा, मैं तो ये चाहता हूँ कि पहले बी वेक्टर का हेड जो है उसको ए वेक्टर के टेल के साथ ज्वाइन करो, कर लो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करो या बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करो, एक ही बात है। तो क्या करेंगे, बी वेक्टर को लेकर आते हैं पहले, पहले बी वेक्टर को लेकर आ गए, अब लेकर आओ ए वेक्टर को, ए वेक्टर को लाते हैं, ए वेक्टर एज इट इज लेकर आए, ऐसे थोड़ा नीचे बना लेता हूँ दिखेगा नहीं, ये बी वेक्टर और ए वेक्टर ऐसे, अब देखिएगा क्या करा, ए वेक्टर का टेल और बी वेक्टर का हेड जो जोड़ दिया हमने, ज्वाइन कर दिया, तो अब ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का टेल जोड़ दो, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, देख लो बिल्कुल पैरेलल है कि नहीं, वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं, वेक्टर्स की अगर लेंथ एक है तो वेक्टर इक्वल है, ठीक है, इक्वल वेक्टर या लाइक वेक्टर वो बनते ही तब हैं जब उनका डायरेक्शन सेम होती है, जब उनकी लेंथ सेम होती है, लेंथ मतलब उनका मैग्नीट्यूड, ठीक है। चलो जी अब सवाल ये आता है कि एक वेक्टर, दो वेक्टर तो यहाँ आपने ऐड कर दिए, दो वेक्टर यहाँ पर ऐड कर दिए, अगर चार वेक्टर दे दें, पांच दे दें, दस दे दें, तो क्या करेंगे, खुद पांच की हेल्प से ये पैरेललोग्राम तो नहीं बनने वाला, पांच की हेल्प से ट्रायंगल भी नहीं बनने वाला, तो क्या करेंगे, नोट करिए,
नेक्स्ट है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन बनेगा उसमें, ठीक है। थर्ड पॉलीगन लॉ ऑफ, हाँ ऐसे ही थोड़ी करा रहा हूँ, पर नहीं नहीं सुनिए मेरी बात, तुमने ध्यान से सुनी नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी जो डेफिनेशंस है ना, आप ये समझें कि डायरेक्टली इनकी डेफिनेशंस आपसे पूछी जाएंगी, वो नहीं पूछी जाएंगी, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। मतलब इन पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको कोई दो वेक्टर, तीन वेक्टर या चार वेक्टर दे रखे होंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, और कहा जाएगा कि इनको ऐड करके दिखाओ, ठीक है। आपसे ये नहीं कहा जाएगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की डिफाइन करिए आप इसको, ठीक है, वो बताना था। सिलेबस में तो है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सपोज देयर आर फोर वेक्टर्स, सपोज देयर आर फोर वेक्टर्स, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर, एज शोन एंड वी विश टू ऐड देम, एंड वी विश टू ऐड देम। हमारे पास चार वेक्टर हैं ए बी सी डी, और हम उन चारों वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? देखिए मेरा फेवरेट यही है ट्रायंगल लॉ, और आप लोगों से भी यही कहूंगा कि पैरेललोग्राम लॉ की आदत मत डालना, ट्रायंगल लॉ ज्यादा आसान है भाई। दो ही तो चीज होती है वेक्टर में, हेड और टेल, तो अगर ए का हेड है उसको बी के टेल से ज्वाइन कर दो, तो जो बी का हेड है उसको ए के टेल से ज्वाइन कर दो, हो गया रिजल्टेंट, बन गया। तो मेरे मतलब मेरा सजेशन ये है कि आप ट्राइंगल लॉ की आदत डालना, ठीक है। आसान पैरेललोग्राम भी है पर थोड़ा डायग्राम बड़ा बन जाता है, इसमें थोड़ा आसानी है। तो ये जो पॉलीगन लॉ है ये भी क्या है, ये भी ट्राइंगल लॉ का ही एक तरीके से एप्लीकेशन है, कोई अलग से नया अनोखा रूल नहीं है ये। तो देखिए कैसे, मुझे चार वैक्टर्स दे रखे हैं, एक है ए वैक्टर, ये है ए वेक्टर, एक है बी वेक्टर, एक है सी वेक्टर, और एक है डी वेक्टर। आपसे कहा जाता है कि आप ए बी सी डी का रिजल्टेंट बताओ, मतलब आपको चारों को ऐड करना, रिजल्टेंट का मतलब आपको एडिशन पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे आप, एक एक करके पकड़ते चले जाओ। सबसे पहले मैंने ए और बी को पकड़ लेना है, और फिर मैं क्या करूंगा इसमें ट्राइंगल रूल जो है वो लगा दूंगा। कैसे, ए वेक्टर को लीजिए आप, ये बन गया ए वेक्टर, ठीक है। अब क्या करो, इसके हेड से बी वेक्टर का टेल ज्वाइन कर दो, ये हो गया बी वेक्टर। अब क्या करिए, अब ना एक डॉटेड लाइन बनाना, मतलब बोल्ड लाइन ना बनाकर डॉटेड लाइन बनाना, और डॉटेड लाइन में मैंने क्या करा, ए के टेल से अब बी का हेड ज्वाइन कर दिया। तो ये जो मेरे पास बना है ये बन गया बेटा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसको मैं आर नहीं लिखूंगा अभी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्योंकि अभी ये मेरा पार्शियली कंप्लीट हुआ है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो मैंने क्या करा, मैंने ए और बी का रिजल्टेंट ले लिया। अब ए प्लस बी है ना, अब इसमें सी को ज्वाइन करना है, तो ए प्लस बी अब एक नया वेक्टर है, अब ए और बी को भूल जाओ, ए प्लस बी एक नया वेक्टर आ गया, एक नई डायरेक्शन आ गई। तो सी क्या है, अब ए प्लस बी का हेड ये है और ए प्लस बी का टेल ये है, समझ गए मेरी बात, ए प्लस बी का हेड ये है और टेल ये है, तो ए प्लस बी के हेड से सी का टेल ज्वाइन कर दो। ये सी वेक्टर, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं इसको,
ये सी वेक्टर। तो अब सी वेक्टर के हेड से ए प्लस बी का टेल ज्वाइन कर दो, लेकिन डॉटेड लाइन बनाएंगे। तो ये क्या बन गया, ए प्लस बी में सी ऐड हुआ है, ये बन गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इतना समझ गए, इतना समझ गए, बताइए। अब क्या करेंगे बताइए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है? यस चलिए उसके बाद देखिएगा। अब ए प्लस बी प्लस सी, अब ये एक नया वेक्टर आ गया, अब ये नीचे का सारी कहानी भूल जाओ। तो ए प्लस बी प्लस सी का टेल ये हो गया, ए प्लस बी प्लस सी का हेड ये हो गया, तो चौथा वेक्टर क्या बचा हुआ, डी वेक्टर। ऐसे है डी वेक्टर, ये लेकर आइए डी वेक्टर। ठीक है, वैसे तो थोड़ा ज्यादा टिल्टेड था, मैंने थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। ये डी वेक्टर हो गया ऐसे। अब क्या करना है, आपने ए प्लस बी प्लस सी के हेड से डी वेक्टर का टेल ज्वाइन कर दिया, तो अब डी के हेड से ए प्लस बी प्लस सी का टेल ज्वाइन कर देना है। और अब ये फाइनल है, तो अब इसको मैं बोल्ड लाइन से बनाऊंगा ऐसे, अब इसको डॉटेड नहीं बनाएंगे। तो ये जो मेरे पास बन के आया, दिस इज कॉल्ड आर वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ये जो बन के आया है। अब ये देखने से एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, पांच साइड, तो पांच साइड की फिगर बन गई है ना, तो पॉलीगन बन गया, ये पेंटागन बोल दो। तो इसलिए हमारे पास चार वेक्टर होंगे तो पांच साइड की फिगर बनेगी, पांच वेक्टर होंगे तो छह साइड की फिगर बनेगी, छह वेक्टर होंगे तो सात साइड की फिगर बनेगी। ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं, पॉलीगन की कैटेगरी में, इस वजह से इसको पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोल दिया गया। ठीक है, हाँ जी। अरे वो तो मैंने यहाँ बना दिया ना, नहीं तो मैं दिखा नहीं पाता उतना क्लियर। ठीक है, समझ गए? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा बताइए। सर आप लास्ट स्टेप रिपीट कर दो। लास्ट वाला, ये वाला यस सर, डी वेक्टर वाला, आप देखिए ये ए प्लस बी प्लस सी, तो ये बन गया, तो ये ए प्लस बी प्लस सी का हेड हो गया और ये ए प्लस बी प्लस सी का टेल हो गया। फिर क्या करिए कि अब डी का टेल फ्री था, डी का टेल फ्री था, तो डी के सॉरी डी का हेड, डी के हेड से ए प्लस बी प्लस सी का टेल ज्वाइन कर दिया बस। तो ये हमारा नया वेक्टर बन गया, ये फाइनली ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बन गया। बताइए ओके समझ गए सर, कि नहीं? अच्छा पार्थ, आप ये कह रहे हैं कि अगर वेक्टर्स इक्वल हैं तो क्या करना होगा, तो वो किस तरीके से ऐड होंगे? देखिए अगर वेक्टर्स इक्वल है ना, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो भी बिल्कुल सेम आएगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो भी बिल्कुल सेम आएगा, उसमें कुछ भी नई चीज नहीं बनेगी, मतलब डायरेक्शन तो सेम रहेगी ही रहेगी। ठीक है, और जो मैग्नीट्यूड है, वो मैग्नीट्यूड हमें ऐड करना है ना, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्टली ऐड नहीं होता, उसका एक तरीका होता है, वो मैं आपको बताऊंगा, अभी बताऊंगा, अभी रुक जाइए थोड़ी देर, थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है, यहां तक बता दीजिए, सबको क्लियर है कि नहीं? ठीक यस सर, यस सर, है रोहन, चलिए ठीक है। चलो जी, अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एनालिटिकल ट्रीटमेंट मतलब अब हम ये देखेंगे कि वेक्टर्स को डायग्रामेटिकली किस तरह से ऐड करा जाता है, वो हमने देख लिया। ठीक है, मैथमेटिकली कैसे ऐड करना है वो देखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का एनालिटिकली क्या ट्रीटमेंट है, मतलब एनालिटिकली उसको मैं मैथमेटिकली कैसे बता पाऊंगा वो देखना है। तो हम ये कहेंगे कि सपोज टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर being added as per triangle law as shown, as per triangle law as shown. इधर है, इसको बोला ए वेक्टर, इसको बोला बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर, ये हो गया। तो इनका जब एडिशन करेंगे ये इससे जुड़ जाएगा, ये क्या हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, ये कहलाता है इसका रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट वेक्टर को हम बोल देते हैं आर वेक्टर। अब देखिएगा, मुझे ना ये देखना होता है कि हम डायरेक्शन जब लेते हैं तो डायरेक्शन हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि कौन से वेक्टर के साथ हम डायरेक्शन ले रहे हैं, ठीक। तो जैसे मैंने हॉरिजॉन्टली यहाँ पर देखा कि ये ए वेक्टर है, तो मैं ए वेक्टर के साथ ये कहूंगा कि रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब उसका एंगल, उसको हम मान लेते हैं बीटा, तो मैंने इसको बीटा मान लिया। लिखेंगे सपोज द रिजल्टेंट, सपोज द रिजल्टेंट आर वेक्टर subtends an angle beta with a vector, an angle beta with a vector, ठीक है। और अब वैसे तो आप लोगों को ये सारी चीजें ना धीरे धीरे आगे आगे सब ये चीजें याद हो जाएंगी, लेकिन अब हम शुरुआत में इसको ना कुछ इसकी नेमिंग कर देते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है तो इसकी नेमिंग कर देते हैं ओ पी क्यू, इसको बोल दो ओरिजिन, बिकॉज दोनों वेक्टर्स मान लीजिए ओरिजिनेशन यहां से हो रहा है ओ, इसको बोल दीजिए पी, इसको बोल दीजिए क्यू। फिर क्या करो, ये जो ओ ए है ना, इस ओ ए को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो आगे ऐसे, और ये जो क्यू है इस क्यू से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, और इसको पॉइंट को बोल दीजिए एन, इसको एन बोल दीजिए, और मैं इसको मेंशन भी करूंगा अभी। यहां पर पी एन क्यू एन हम ये कहेंगे लेट अस, let us drop a perpendicular from q, let us drop a perpendicular from q on op produced, on op produced, and let angle qpn
एंगल क्यू पी एन इज इक्वल टू थीटा। ये जो एंगल क्यू पी एन है इसको आप मान लीजिए थीटा। तो फिर मैं एक चीज देखूंगा कि ऐसे ही मैं साइन थीटा और कॉस थीटा कैलकुलेट कर लूँ। साइन थीटा और कॉस थीटा हम जानते हैं, जैसे मान लीजिए साइन थीटा कैलकुलेट करना चाहता हूँ मैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब लिख लीजिए पी अपॉन एच, ये साइन थीटा हो गया। तो हमेशा जो हमारा एंगल होता है, एंगल के सामने वाली साइड को मैं परपेंडिकुलर बोलता हूँ, 90 डिग्री के सामने वाली साइड इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, और जो साइड बचती है दैट इज कॉल्ड बेस। इस पी और इस पी में कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए एनसर्कल कर दिया इसको। दिस पी इज फॉर परपेंडिकुलर, ये पॉइंट पी है, ठीक है। तो साइन थीटा निकालूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का मतलब हो जाएगा क्यू एन अपॉन पी क्यू, क्यू एन अपॉन पी क्यू, ठीक है। अब पी क्यू जो है, पी क्यू क्या है हमारा, बी वेक्टर। और यहां पर मैं लेता क्या हूं, यहाँ वेक्टर थोड़ी लेते हैं, यहाँ तो लेंथ लेते हैं ना, कुछ भी 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कुछ भी। तो जो वेक्टर होता है, वेक्टर की लेंथ उसका मैग्नीट्यूड ही होता है। यानी कि बी वेक्टर के ऊपर जो ये एरो लगा हुआ है ना, एरो हटा दो बस। तो मैं क्या करूंगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये क्यू एन तो मुझे नहीं पता कि क्या चीज है, मतलब मेरे को क्यू एन की लेंथ नहीं पता, लेकिन मुझे पी क्यू की लेंथ पता है, इट इज बी। तो ये हो गया क्यू एन अपॉन बी। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं, बता दीजिए। तो क्यू एन की वैल्यू हो गई बी कॉस थीटा। क्यू एन की वैल्यू बी कॉस थीटा, सॉरी बी साइन थीटा, साइन थीटा सॉरी। अब ऐसे ही मैं निकालूंगा कॉस थीटा, कॉस थीटा इज कॉल्ड बी अपॉन एच। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब ये जो बी है ये बेस वाला बी है, ये क्या है पी एन, मुझे नहीं पता पी एन कितना है। खैर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर पी एन अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, अगेन पी क्यू, और पी क्यू की लेंथ कितनी है बी। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू पी एन अपॉन बी, तो पी एन कितना हो जाएगा बी कॉस थीटा। ये क्यू एन और पी एन की जो हमने वैल्यूज निकाली है, ये सबको क्लियर है कि नहीं, बता दीजिए, बताओ जी, क्लियर है, चलें आगे। हाँ अरे ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए, आस्था के अलावा किसी का रिप्लाई नहीं आया। भव्या, विदुषी, पार्थ, क्लियर यस है? हाँ यश, अंश बताइए। यस सर, लक्ष्य, समझ गए। अब क्या करना है हमें, ये जो ट्रायंगल है ना मेरा इतना सा, ये क्यू एन पी इसको तो मैंने यूज कर लिया, अभी एक और भी तो राइट ट्रायंगल बन गया इतना बड़ा, तो इस ट्रायंगल को भी यूज करिए। हम यह क्या करेंगे, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ओ एन क्यू, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ओ एन क्यू, ठीक। चलिए ओ एन क्यू में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर। ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर, ठीक है जी। ये जो ओ क्यू है, ये ओ क्यू क्या है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, आर वेक्टर। लेकिन जब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ तो वो वेक्टर नहीं आता, वहां पर उसकी लेंथ आती है, मैग्नीट्यूड आता है। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर, जैसे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी, ऐसे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर। तो इसको लिखेंगे आर स्क्वायर। अब ओ एन क्या है, ये ओ एन तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ ओ एन को ऐसे लिखा जा सकता है ओपी प्लस पी एन, ये ओपी की लेंथ और पी एन की लेंथ अगर ऐड कर दिया जाए तो ओ एन बन जाएगा। तो लिख दो ओ एन की जगह ओपी प्लस पी एन इसका होल स्क्वायर। हाँ क्यू एन मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, इट इज बी साइन थीटा। तो मैं लिखूंगा बी साइन थीटा का होल स्क्वायर।
ओके okay. अब आप ये देखिएगा कि अब ये जो आर स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा ओपी क्या है, ओपी की लेंथ क्या हो गई, ये ओपी वेक्टर तो ए वेक्टर है लेकिन इसकी लेंथ कितनी है, ए, तो इसको लिख देंगे ए प्लस पी एन कितना है, बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अब बी साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो बी का स्क्वायर बी स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे इस तरफ आ जाइए तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू इंटू ए इंटू बी कॉस थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, ठीक, और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा था ही। अब क्या करो, ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है और ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लो, बिल्कुल ठीक, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का टू ए बी कॉस थीटा, अभी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन होता है, टू ए बी कॉस थीटा कैसे आया, ये आया हमारा ये इसका स्क्वायर पहले ए का स्क्वायर फिर बी कॉस थीटा का स्क्वायर, तो बी कॉस थीटा का स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर क्या करते हैं टू इंटू दिस इंटू दिस, तो टू इंटू ए इंटू बी कॉस थीटा क्या हो गया टू ए बी कॉस थीटा। आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, तो पहले इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, है ना, बताइए बेटा बाकी सबको भी क्लियर है, तो ए स्क्वायर अब ये तो वन हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, लेकिन मुझे आर स्क्वायर थोड़ी निकालना है, मुझे तो आर निकालना है यानी कि मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, लिखेंगे दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ये। अब सिर्फ मैग्नीट्यूड थोड़ी निकालना है, डायरेक्शन भी तो निकालनी है। अच्छा यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा किस किस के बीच में एंगल है बताएंगे, थीटा जो एंगल है उसको क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो दो वेक्टर दे रखे हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर उनके बीच का एंगल है, बोल सकते हैं भाई, बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है, बोल सकते हैं कि नहीं थीटा को, नहीं, देखिए भाई बी वेक्टर तो ये वाला वेक्टर हो गया और ये जो ए वेक्टर है इसी को तो मैंने थोड़ा सा प्रोड्यूस करा है आगे, इसी को तो थोड़ा सा प्रोड्यूस करा है, तो बेसिकली ए वेक्टर और बी वेक्टर उन दोनों के बीच ही एंगल बन गया ये, क्योंकि किसी भी वेक्टर को इस तरह से पैरेलली मैं ला सकता हूँ आगे खींच सकता हूँ, ठीक है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक। अच्छा पार्थ, अब इस एनालिटिकल मेथड से हम एक चीज कह सकते हैं कि जब अगर कोई दो वेक्टर्स, अगर कोई दो वेक्टर्स जो हैं वो दो वेक्टर्स का ऐड करना और दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं, इक्वल वेक्टर्स का मतलब उनकी डायरेक्शन सेम है, तो उन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, दोनों वेक्टर सेम है तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो एंगल कितना होगा, जीरो, और कॉस जीरो क्या होता है, वन, ठीक है, तो आप ये सोचिएगा, अभी खैर मैं इसके बाद मेरे को डायरेक्शन भी बताना था पर मैं पहले ये बताता हूँ कि अगर दो वेक्टर्स पूरी तरह से इक्वल हैं तो हम क्या करेंगे, आर ऑफ, अगर ए वेक्टर प्लस एक वेक्टर है भाई दोनों ही सेम है, तो ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर अगर करा जाए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, भाई बी की जगह भी ए हो गया जब दोनों वेक्टर्स इक्वल है, प्लस टू ए ए कॉस जीरो, जिसको नहीं समझ में आया वो बताता हूं कि दो वेक्टर्स अगर इक्वल हैं तो एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, दूसरा जो है वो भी इक्वल ही है वो भी ए वेक्टर है, तो दोनों के बीच में एंगल
दोनों के बीच में कुछ तो होना चाहिए ना, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कुछ घूमे, लेकिन दोनों के बीच में कुछ एंगल है ही नहीं, यानी कि जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? वन। ठीक है, समझ रहे हैं? तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया, टू ए स्क्वायर प्लस ए इन टू ए कितना हो गया, ए स्क्वायर। तो टू ए स्क्वायर और कॉस जीरो इज वन, ठीक। तो ये कितना हो गया, आर इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर इज फोर ए स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, टू ए। इसका मतलब क्या है, जब दो वेक्टर्स हैं और इक्वल वेक्टर्स हैं, उन दोनों को ऐड करते हैं तो उनका जो मैग्नीट्यूड है वो भी ऐड हो जाता है। तो ए प्लस ए कितना हो गया, टू ए हो गया। समझ गए पार्ट, क्लियर है? ठीक यस है, तो इस तरीके से इनको वेक्टर्स को ऐड करते हैं। इसका डायरेक्शन वाला पोर्शन बचा है, वो नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे। अगली क्लास मिस मत करना बेटा, सारे बच्चे जितने भी अभी ऑनलाइन भी हैं, जो ऑफलाइन भी हैं, अगली क्लास मिस मत करना, इम्पॉर्टेंट है। उसमें वेक्टर्स के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो समझना है हमको। चलिए जी, ओके। Okay.